नमस्ते, सरोज किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है। इस पर्व पर तिल का इस्तेमाल करते हुए कई चीजें बनाई जाती है, जैसे गजक, रेवड़ी, तिल गुड़ की बर्फी, तिल के लड्डू। तिल के लड्डू की रेसिपी पहले से ही मेरे चैनल पर मौजूद है। आज हम तिल गुड़ की बर्फी बनाएंगे। इस बर्फी को वैसे भी सर्दियों में खूब खाया जाता है, क्योंकि ये शरीर को गर्माहट देती है। गुणों से भरपूर होने के साथ साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं तिल गुड़ की बर्फी। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम तिल लिया है। आप देख सकते हैं तिल थोड़ा डार्क कलर का है। वैसे तो मार्केट में सफेद तिल भी अवेलेबल है, लेकिन उस तिल के बजाय हम इस तिल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा फायदेमंद है। इसी तरह से हमने यहाँ पर 400 ग्राम ये गुड़ लिया है। ये खाने में बहुत ही मीठा होता है और ये देसी गुड़ है, इसलिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी इस गुड़ का। वैसे तो मार्केट में इस तरह का गुड़ भी मिलता है, लेकिन इस तिल को और हेल्दी बनाने के लिए हम यहाँ पर देसी गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। और इस बर्फी को और टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पर सूखा नारियल, जो घिट मिलता है, उसका इस्तेमाल करूंगी। तो इस तरह से हमने पहले से इसको ग्रेट कर रख लिया है। तो बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई रख लेंगे गैस पर, और जो ये तिल हमने लिया है उसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से स्लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तिल गुड़ की बर्फी अक्सर हम सर्दियों में ही खाते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तिल भी गर्म होता है, साथ में गुड़ भी गर्म होता है, तो ये हमारे शरीर को गर्माहट देता है। साथ ही इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तिल में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जो कि हड्डियां और हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है, उन्हें मजबूती देता है। और इसी तरह से हम इसे स्लो फ्लेम पर भूनते जाएंगे। ध्यान रहे ये नीचे चिपके नहीं, और इसे हमें हल्का सा ही सेकना है। मुश्किल से 3-4 मिनट ही हम इसे सेकेंगे। गैस की फ्लेम एकदम ही स्लो पर है, थोड़ी सी हम इसकी फ्लेम को बढ़ा देंगे। तिल में और भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से हमें इसे भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है स्लो फ्लेम पर भूनते हुए। तिल थोड़ा सा फूल गया है, आप देख सकते हैं। हमें इसे ज्यादा भी नहीं भूनना है, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो गैस पर हम सेम कढ़ाई रख लेंगे गुड़ की चाशनी बनाने के लिए। गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे हम, और करीब 2 चम्मच मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल करूंगी। इससे बर्फी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। और जो गुड़ हमने लिया था उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लीजिए, ताकि चाशनी बनने में कोई दिक्कत ना हो, फटाफट से ये गल जाए। घी पिघल चुका है, अब ये गुड़ हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे, स्लो फ्लेम पर ही हमें इसकी चाशनी बनानी है। और साथ ही में हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ पर करीब 1/4 ग्लास मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब इसे हमें स्लो फ्लेम पर ही चाशनी बनानी है इसकी। गुड़ को लगातार इस तरह से हिलाते रहें और इसे पिघलने का इंतजार करेंगे हम। तो जब तक हमारी गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो रही है, दूसरी तरफ हम भुने हुए तिल को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से पिघल चुका है, लेकिन हमें इसकी चाशनी बनानी है, तो हम थोड़ी सी देर और इसे पका लेंगे। और जितनी क्वांटिटी का मैंने गुड़ इस्तेमाल किया है वो पर्याप्त है, क्योंकि मैंने देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है, ये काफ़ी मीठा होता है। अगर आप चाहें तो बराबर बराबर दोनों मात्रा, जैसे तिल की और गुड़ की बराबर मात्रा आप कर सकते हैं। अब इसमें झाग बनने लगे हैं, तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे।
गैस की फ्लेम हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे इसमें जाग बनना शुरू हो गए हैं। तो इसे करीब हम 2 से 3 मिनट इसी तरह से पका लेंगे और हमारी चाशनी बनकर एकदम तैयार है। और हम गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे। अभी स्लो फ्लेम में हमने ये जो दरदरा हमने आप देख सकते हैं तिल को दरदरा हमने मिक्सी की सहायता से पीस लिया था, अब वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे हम। इसी समय हम ये सूखा नारियल भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 3 छोटी इलायची ली थी उसका हमने अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे और अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम एकदम ही स्लो है, आप ध्यान रखें स्लो फ्लेम पे ये चीज हमें करनी है। क्योंकि जैसे ही हम गैस ऑफ करेंगे गुड़ एकदम वापस से टाइट होना शुरू हो जाएगा, जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमें इसको मिक्स करते टाइम गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखें, तो ये बात ध्यान देने योग्य है। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लेंगे हम। और जो ये मिश्रण है इसको हम इस थाली में फैला लेंगे। इस तरह से हमने मिश्रण को 2 थालियों में फैला दिया था। और एक कटोरी लेंगे उसपे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरह से, पीछे की तरफ हम इस तरह पानी लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। चारों तरफ से इक्वली हम इसको सेट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी प्लेट का भी हम कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और लगा लेंगे इसमें, चाहे तो कटोरी से कर ले नहीं तो अपना हाथ गीला करके इसे अच्छी तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो इसे अब हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो अब ये मिश्रण थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब इसे हम कट कर लेंगे। तो एक चाकू की सहायता से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने तिल और गुड़ की बर्फी को कट कर लिया है। जैसा कि आपने देखा तिल गुड़ की बर्फी बनकर एकदम तैयार है, बहुत आसान तरीके से हमने इसे बनाई है और सारी हमने कट कर ली थी और इस तरह से हमने प्लेटिंग कर ली है। तो इस आसान सी विधि को आप भी जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।